Very good morning, dear students. Today we will discuss illustration number 6 of chapter 10 GST. So open page number 10.18. Interstate from one state to another. इसमें अब सेकेंड आपकी एडजस्टमेंट आएगी IGST, CGST and SGST. Okay? In previous lecture we have already discussed CGST and SGST, but today we will discuss IGST also. IGST आपका एक और टैक्स है. मैंने आपको 3 टाइप्स के जो टैक्स हैं बताए हैं स्टार्टिंग में. डिक्रेटेड ये आपका टैक्स है. इंटीग्रेटेड GST. It is levied on interstate sales, that is sales of goods and services outside the state. So it is also levied on import of goods and services into India and export of goods and services from India. ठीक है, चाहिए आउट ऑफ स्टेट हो या आउट ऑफ कंट्री हो, दोनों में IGST ही यूज होगा आपका. ठीक है, इसमें आपको मैंने थ्योरेटिकली इसको थोड़ा एक्सप्लेन करा हुआ है पहले. अभी हम इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे कि इसका क्या यूज रहेगा. एक्चुअली क्या था, ये कुछ 1 फरवरी 2019 में इसमें कुछ अपडेट्स हुई हैं, कुछ चेंजेस हुई हैं. तो अभी जो हम कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं. तो उससे पहले वाला मैं डिस्कस नहीं करूंगी, अदरवाइज कंफ्यूजन और बढ़ जाती है. तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है, आउटपुट IGST और आउटपुट इनपुट IGST. ये टू टाइप्स के आपके इसमें हम क्रिएट करते हैं अकाउंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट IGST विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट IGST. जैसे आप आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को इनपुट CGST और इनपुट SGST से सेटअप कर रहे थे, सेम केस यहाँ पर आपको आउटपुट IGST के साथ है. आउटपुट IGST विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट IGST. ओके, तो एंट्री विल बी आउटपुट IGST. ये आपको जस्ट मैं जस्ट एंट्रीज बता रही हूँ अभी. ठीक है, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट. इस तरह से आप सेटअप करेंगे इस एंट्री के साथ. ठीक है, आफ्टर सच एडजस्टमेंट देयर मे बी टू सिचुएशन. यहाँ पर आपके पास दो सिचुएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास आउटपुट IGST इज एक्सेस देन इनपुट IGST. सेकेंड सिचुएशन मे बी इनपुट IGST इज एक्सेस देन आउटपुट IGST. दोनों में आपके पास कोई भी एक सिचुएशन आ सकती है. तो अभी मैं आपको जो फर्स्ट सिचुएशन इसमें जो बता रही हूँ, केस वन, इफ इनपुट IGST एक्सेस आउटपुट IGST. अब इस केस में आपके पास अगर इनपुट IGST जो है वो ग्रेटर हो जाता है. इनपुट IGST का मीनिंग क्लियर कर लेना कि जो टैक्स आपने पे किया है, मतलब परचेजेस के टाइम पे जिसको आपने पे किया है, अगर वो एक्सेस है और अभी कलेक्ट आपका IGST के थ्रू वो कलेक्ट नहीं हो पाया. अब IGST मीन्स क्या है कि जो आपने स्टेट से बाहर सेल और परचेज किया है, अगर आपने स्टेट से बाहर से परचेज किया तो वो इनपुट IGST आपने पे किया होगा. ठीक है, सपोज वो आपका 20,000 है और अभी स्टेट से बाहर आपने अगर कोई सेल किया होगा तो उसके उसमें आपने आउटपुट IGST कलेक्ट करा होगा. तो वो आपका सपोज कर लेते हैं 15,000 है. ओके, आपने पे किया है 20,000 और आपने कलेक्ट किया है 15,000. तो इन दिस सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन में जो आपका इनपुट IGST है एक्सीड हो रहा है बाय 5,000. ठीक है, देन आउटपुट IGST, यानी कि इनपुट IGST आपका बढ़ रहा है, 5,000 से एक्सीड हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. उस केस में अब आपको किस तरह से एंट्रीज करनी है वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, इन सच ए सिचुएशन इनपुट IGST विल बी फर्स्ट एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट CGST. देखो, जो भी हमारा इनपुट IGST में 5,000 का अमाउंट है उसको हम जो 5,000 से एक्सेस में आ रहा है, क्योंकि 15,000 तो आपका आउटपुट IGST से ही वो सेटअप हो जाएगा. तो कर लो आपके पूरे क्वेश्चन में इनपुट IGST 20,000 है और आउटपुट IGST 15,000 है. तो 15,000 से आपने इस एंट्री के साथ आउटपुट IGST के साथ इनपुट को सेटअप कर दिया. बट अभी भी इनपुट IGST इज ग्रेटर देन सॉरी एक्सीड बाय 5,000. तो उस 5,000 को अब हम कैसे कवर करेंगे, CGST से. ठीक है, तो पहले हम करेंगे आउटपुट CGST. आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट. अगर ये 5,000 आउटपुट से नहीं कवर हो पाता तो हम CGST से भी इसको कवर कर सकते हैं.
ठीक है, फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि आप सीजीएसटी से ही कवर करें। अगर सीजीएसटी से कवर नहीं होता है तो आप आउटपुट एचजीएसटी से भी उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, टू आई जी इनपुट करें। ठीक है, जो भी आपका एक्सेस अमाउंट था उसको सबसे पहले आपने आउटपुट सीजीएसटी से कवर करना है। अगर उससे भी ये कंप्लीट सेटअप नहीं हो पाता, देन आपने जो अमाउंट बचा है अभी भी, तो आउटपुट एचजीएसटी से उसको सेट ऑफ कर लेना है। तो ये आपका इसमें सिचुएशन हो जाएगी। ओके, इफ फुल अमाउंट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी हैज नॉट बीन एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट आईजीएसटी, देन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट सीजीएस एचजीएसटी। अगर फुल अमाउंट इसके अगेंस्ट नहीं हो पाता तो आप एचजीएसटी से भी इसको रिकवर कर सकते हैं, और अगर कोई बैलेंस अभी बचता है तो देन इट विल बी पेड। ओके, अब बैलेंस किसका आएगा, सीजीएसटी और एचजीएसटी का। अगर इनमें कोई भी बैलेंस अभी भी बाकी है, अगर तो इनपुट इनके पास टोटली भी 2500 ही है फोर्स, तो इनपुट आईजीएसटी से पूरा 5000 सेट ऑफ हो जाएगा। ओके, बट अगर सीजीएसटी और एचजीएसटी में ज्यादा अमाउंट बढ़ा है आपके पास, फोर्स 10,000 है, तो इनपुट आईजीएसटी सिर्फ आपके पास आपको 5000 से ही इनको सेटअप करना है, तो बाकी का अमाउंट जो है सीजीएसटी से ही वो सारा 5000 रिकवर हो जाएगा। तो 5000 से सीजीएसटी पे करना पड़ेगा आपको और 10,000 से एचजीएसटी को पे करना होगा। इस तरह से ही आपको एंट्री करनी है। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन के थ्रू करती हूँ, उसमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि सारे अमाउंट उसमें गिवन है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 6, ओपन पेज नंबर 10.18, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इंटर स्टेट दैट इज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल एज्यूमिंग सीजीएसटी एट द रेट 6% एंड एसजीएसटी एट द रेट 6%। ओके, गिवन है आपके पास पहले ही सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी कभी भी अलग से मेंशन नहीं होगा, आप इसमें आपको अंडरस्टूड है कि आईजीएसटी दोनों को मिला के है 12%। ओके, आईजीएसटी जब भी आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो आपका क्या होता है, इंटरस्टेट होता है, मतलब स्टेट से बाहर की जो भी आपकी एंट्री होगी उसी में आप यूज करोगे, तो वो आपका 6+6 12% ही होगा। उसको आप टोटल करके इसको अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंट्री, गोपाल परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 from outside the state and made payment by check. Okay? So, यहाँ बिल्कुल clearly लिखा है कि outside the state, it means यहाँ purchases की जा रही है, तो input IGST will be debit. Okay? So, entry will be purchases account. ये date mention नहीं है, entries हैं, तो first entry purchases account debit. इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, अब क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हुई है तो दैट्स व्हाई टू बैंक अकाउंट। ओके, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट इज गिवन 1,50,000 इन परचेजेस, 12% ऑफ 1,50,000 ऑफ 1,50,000 इज 18,000, that is IGST, input IGST. Okay, total it will be 1,68,000. Okay, being purchased goods from outside the state. Narration. Okay, narration आप अपने mention करते रहेंगे साथ में. Second entry, he sold goods for ₹1,00,000 outside the state on credit. गुड सेल हुई है 1,00,000 की, आउटसाइड द स्टेट मेंशन किया हुआ है, तो दैट्स व्हाई आउटपुट आईजीएसटी विल बी क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ कैश या किसी का नेम भी नहीं है, तो आप डेटर सेल की इसको ऑन क्रेडिट ही मान के चलेंगे। तो सेकंड एंट्री, डेटर्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी to sales account,
12% you can calculate 12% on rupees 1 lakh that will be 12,000. Okay, total 1 lakh 12,000. Okay. Next third entry, he sold goods for rupees 1,80,000 locally on credit. Local means ये state की within state है, so it means यहाँ IGST की जगह पर अब आपका क्या होगा CGST and SGST. तो ये mention आपको अगर होगा तो इसके accordingly ही आपने उसको देखना है कि कौन सा tax इसमें apply करना है. Third entry, he sold goods बिक रही है यहाँ पर भी और on credit ही है, so that's why entry तो same ही रहेगी आपकी. Debtors account debit, okay. To sales account, to output CGST account, to output SGST account. Okay, why? Because this entry is within the state. ये उसी same state की है, local है, तो अब यहाँ पर CGST और SGST को आपने credit किया है. ये entry आपकी outside state थी, तो इसलिए हमने इसमें आउटपुट आईजीएसटी लिया था. आउटपुट आईजीएसटी दोनों को मिला के 12% था, ये सेपरेट होगा, ये 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, दोनों को सेपरेटली आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है. तो ये एंट्री जो हो जाएगी, अमाउंट इज गिवन रुपीज 1,80,000, 1,80,000 गिवन है सेल्स, 1,80,000, 6% ऑन 1,80,000 इट विल बी 10,800. Okay, and total will be 2,01,600. Okay, like this. Next fourth point, pay telephone bill for rupees 5,000 by check. Telephone bill pay किया है. First of all, यहाँ पर कोई भी state mention नहीं है. तो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि ये विदिन स्टेट, उसी स्टेट की ये ट्रांजेक्शन है. उस केस में आपको, क्योंकि ये वो एक्सपेंस है जिसके ऊपर हम जीएसटी अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो ये उन 10 एक्सपेंसेस में से नहीं है जो मैंने आपको कल बताए थे, जिसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाते हैं, वो मैंने आपको कल आपको बताए थे, ठीक है, 8 to 10 थे वो हमारे पास, तो ये उनमें से नहीं है. तो टेलीफोन एक्सपेंसेस है, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल पे आपका जो है जीएसटी नहीं अप्लाई होता, लेकिन इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है, एंट्री पे करना है. सो टेलीफोन बिल पे अप्लाई होगा, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जीएसटी एसजीएसटी अप्लाई करना है या आईजीएसटी. तो ये अंडरस्टूड है कि अगर आपके पास स्टेट गिवन है कि विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है, देन तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही आप करेंगे. बट अगर आपके पास कुछ भी मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी को ही अप्लाई करना है. सो फोर्थ एंट्री, टेलीफोन बिल या एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ये भी इनपुट है क्योंकि पे करना पड़ेगा आपको, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ओके, पे करेंगे बाय चेक तो टू बैंक अकाउंट. टेलीफोन चार्जेस आपके पास गिवन है बाय रुपीज 5,000, 6% ऑफ 5,000 इट विल बी 300, 5,600. ओके, तो पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल या टेलीफोन बिल पेड, बीइंग लगाना है आगे, बीइंग टेलीफोन बिल पेड, नरेशन. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास गिवन है यहाँ पर, एयर कंडीशनर, ही परचेज एन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस. ऑफिस के लिए एयर कंडीशनर परचेज किया है, तो ये ऑफिस इक्विपमेंट है आपका, फॉर हिज 25,000 एंड पेड फॉर द अमाउंट बाय चेक. तो इस पे भी आपको परचेज किया है, कोई एसेट है ये आपकी, एसेट जब परचेज होती है तो इट विल बी अगेन विल डेबिट ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट
इनपुट, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कोई स्टेट मेंशन नहीं की गई है, सो दैट्स व्हाई सीजीएसटी और एसजीएसटी ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कैसे हुई है ये, बाय चेक, ओके. तो टू बैंक अकाउंट, ओके. अमाउंट इज गिवन 25,000 से, एयर कंडीशनर है आपका, ये 25,000 यहाँ आ जाएगा आपका, एंड 6% ऑफ 25,000 इज 1500 इन सीजीएसटी, 1500 इन एसजीएसटी, एंड टोटल इज 28,000 इन बैंक. ओके स्टूडेंट्स, ऑल एंट्रीज हैज बीन डन. बट यहाँ पर अब आपको जो मेन जो अब करना है वो है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी. अब कैलकुलेशंस करनी है. यहाँ पर मैंने अभी ये सारे एंट्रीज आपके सामने मेंशन कर दी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनकी एक वर्किंग नोट आप इसमें प्रिपेयर करेंगे. तो अभी आपके पास अगर नोटबुक और पेन आपके हाथ में हो गई तो आप उसको जरा टोटल करते जाएंगे. मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले आईजीएसटी का हम टोटल करेंगे. इनपुट आईजीएसटी आपके पास पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ फर्स्ट एंट्री में ही है, देखें इनपुट आईजीएसटी. तो टोटल ऑफ इनपुट आईजीएसटी रुपीज 18,000, राइट. एंड टोटल ऑफ आउटपुट आईजीएसटी पूरे क्वेश्चन में आपको चेक करना है. यहाँ पर ये एक ही एंट्री है, देख लीजिए, आउटपुट आईजीएसटी की रुपीज 12,000, ओके. तो ये दोनों इक्वल नहीं है. तो यहाँ पर इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी की सिंगल सिंगल एंट्रीज ही है. और इनपुट आईजीएसटी आपका 18,000 से है और आउटपुट आईजीएसटी आपका 12,000 से है. तो हमें इसको सेट ऑफ करना है. ठीक है, सेट ऑफ जब हम करते हैं तो आउटपुट से इनपुट को करते हैं, ठीक है ना. तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी, प्लीज नोट डाउन द एंट्री, एंट्री नंबर 6, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, कितने से, 12,000 से. क्योंकि आउटपुट में 12,000 से ज्यादा नहीं है, आउटपुट आईजीएसटी में 12,000 ही है मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास. तो एंट्री क्या हो जाएगी, 6 पॉइंट एंट्री हमारे पास, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी बाय 12,000 बाय 12,000, क्योंकि आउटपुट में आपके पास टोटल 12,000 ही है. अभी इनपुट में 18,000 है तो 6,000 से ये एक्सेस है. इसका 12,000 तो सेटअप हो गया, यहाँ से 12,000 तो सेटअप हो गया, लेकिन 6,000 अभी पेंडिंग है. और मैंने ये बोला ना कि जब आपका इनपुट एक्सीड होगा, जितने से वो एक्सीड होगा, उसको अब हम कहाँ से सेटअप करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी. तो अभी मैंने आईजीएसटी की आपको कैलकुलेशन बताई, अब आपको यहाँ से ये क्लियर है कि आईजीएसटी में 6,000 एक्सीड कर रहा है एक एंट्री इसको करने के बाद. वो 6,000 अब आपको कहाँ से कवर करना है, सीजीएसटी से. अब पहले सीजीएसटी में चेक करते हैं कि आउटपुट सीजीएसटी में 6,000 अमाउंट एक्स्ट्रा है या नहीं है, क्योंकि सीजीएसटी में भी आपको चेक करना है इनपुट और आउटपुट, ओके. अब सीजीएसटी चेक करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट एंट्री में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में देखेंगे. आउटपुट सीजीएसटी आपका है, टोटल करते जाएंगे. आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी 10,800, आउटपुट और कहीं नहीं है. तो टोटल आउटपुट आपके पास गिवन है 10,800, ओके. अब इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी की कैलकुलेशंस करेंगे. तो टोटल ऑफ इनपुट सीजीएसटी 300 इस एंट्री में है फोर्थ में, और इनपुट सीजीएसटी 1500 आपकी फिफ्थ एंट्री में है. तो टोटल ऑफ इनपुट सीजीएसटी इज 1500 प्लस 300 1800. आपके पास टोटल सीजीएसटी 1800 है, 1800 है, जबकि आउटपुट सीजीएसटी आपके पास 10,800 से है. ओके, क्लियर है ये पॉइंट अच्छे से. तो अभी एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, मैं एंट्री भी साथ साथ करके दिखा रही हूँ आपको. फर्स्ट मेरा अब कर रही हूँ. अब इसका रोल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से 6,000 एक्सेस में आपके पास रह रहा है, उसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करने जा रही हूँ. तो इस एंट्री का बस यही रोल है, ठीक है. एंट्री नंबर 7 ये मैं आपको करके दिखाती हूँ. ये है अब आपके पास आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि मैं सीजीएसटी को एडजस्ट कर रही हूँ.
आउटपुट सीजीएसटी आपके पास कितने से है, पहले आप ये देख लो, 10,800, ये देखो आउटपुट एसजीएसटी भी और आउटपुट सीजीएसटी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीजीएसटी से रिकवर करने की ट्राई करते हैं। अगर हमारे पास सारा यहीं से एडजस्ट हो जाएगा तो हमें एसजीएसटी के एडजस्ट करने की नीड नहीं होगी। तो ये 10,800 है, ओके। अब पहले हम इनपुट सीजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। इनपुट सीजीएसटी हमारे पास है टोटल, चेक करेंगे, 1500 इन एंट्री नंबर फिफ्थ और 300 इन एंट्री नंबर फोर्थ। टोटल 1500 प्लस 300 ये आपका बना 1800, यानी कि टोटल सीजीएसटी जो है, इनपुट सीजीएसटी जो है वो आपका है 1800, ठीक है। अभी हमारे पास बाकी सारा अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और इस एक्स्ट्रा अमाउंट से हम अपना इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे, ओके। वो हमारा पेंडिंग था 6,000 से, तो टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट ये आपका 6,000 से सेट ऑफ हो गया, ठीक है। अभी जो बैलेंस आएगा वो अब आप वो लायबिलिटी है, उसको आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अब आप लेस करके देख लीजिए, अभी भी आपके पास 3,000 पेंडिंग है, तो वो एंट्री हो जाएगी आपकी टू बैंक अकाउंट, यानी कि ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। ये आप 3,000, ठीक है, डन, ये आपकी एंट्री है। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी, पहले आपने सीजीएसटी को रिकवर किया, उसके बाद आईजीएसटी को, क्योंकि इसमें अमाउंट हमारे पास था, तो दैट्स व्हाई हमने आईजीएसटी का 6,000 पूरा इसी से सेट ऑफ कर दिया। टू बैंक अकाउंट 3,000। अभी कौन सा रह गया है टैक्स आपका, एसजीएसटी का रह गया है। अब एसजीएसटी को भी सेट ऑफ करते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट एंट्री है आपकी, आईजीएसटी में भी आपके पास 10,800 अमाउंट की है, क्योंकि वो तो सेम अमाउंट ही है आपके सीजीएसटी और एसजीएसटी की। तो एंट्री नंबर 8 ये हो जाएगा आपका आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। आउटपुट उसमें आपके पास इनपुट एसजीएसटी आपके पास 1500 और 300, इसमें भी 1800 ही है, तो टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट लिख देंगे आप 1500 प्लस 300, अगेन ये भी आपका 1800 से ही है, 10,800 से आपने इसको सेट ऑफ कर दिया। अब जितना बाकी पेंडिंग अमाउंट है वो आपको पे करना है, क्योंकि इसकी हमें बाकी अमाउंट की हमें नीड नहीं थी, पूरा गवर्नमेंट को पे करना है 9,000, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये आपकी क्वेश्चन कंप्लीट है, ये लास्ट एंट्री थी आपकी। इन्हीं एंट्रीज को आपको समझना है, ये 6th एंट्री, 7th एंट्री एंड 8th एंट्री जो हमें ये खुद प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, 6th क्वेश्चन में था जब इनपुट इसमें आपका एक्सेस था, सो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 7 तो आपका सेम इसी के जैसा है, 8th क्वेश्चन पे आप देखेंगे आके इलस्ट्रेशन नंबर 8, ओपन पेज नंबर 10.22। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, साथ के साथ आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें छोटा सा एक केस है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। अब ये सेकंड केस आएगा, इसमें आप जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया, इसमें इनपुट आईजीएसटी जो था वो एक्सीड था, ठीक है। अब आपके पास आउटपुट आईजीएसटी अगर एक्सीड होगा तो फिर उसकी कैसे एंट्री होगी, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट का हम कहाँ उसको सेटअप कर सकते हैं। तो सेम वही चीज है, अगर आउटपुट आईजीएसटी में एक्सीड अमाउंट पड़ा है आपके पास, तो उसके उसको हम सीजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं, सीजीएसटी इनपुट के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास इसकी थोड़ी सी आपको एंट्रीज बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल केस टू है ये, इफ आउटपुट आईजीएसटी एक्सीड इनपुट आईजीएसटी, अगर ये इससे एक्सीड हो जाता है, if output IGST exceeds, ठीक है, input IGST, उस केस में आपके पास एंट्री क्या होती है। सबसे पहली एंट्री तो यही आप करोगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी, ये तो आप एंट्री करते ही हो, जितना भी
दोनों का सेम अमाउंट रहता है, वो तो आप इसमें से रिकवर करोगे ही, ठीक है। सेकेंड केस जो है इसमें अब देखो क्या है कि इनपुट सीजीएसटी अब इसमें से हम एडजस्ट कर सकते हैं, आउटपुट क्योंकि आउटपुट आईजीएसटी आपका ज्यादा है, आपने कलेक्ट ज्यादा कर लिया है, ओके। और जो कलेक्शन आपके ज्यादा है तो उसको आप कहाँ यूज कर सकते हो, इनपुट सीजीएसटी में और इनपुट एसजीएसटी में, ठीक है। आगे नेक्स्ट आप एंट्री क्या करेंगे, अगर आपके पास आउटपुट आईजीएसटी एक्सेस है तो पहले तो आप क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी जो है और आउटपुट एसजीएसटी जो है इनको आपस में ही, क्योंकि जो आप पहले एंट्री करते आ रहे हैं टू इनपुट सीजीएसटी से एडजस्ट करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, टू इनपुट एसजीएसटी से आप सेट ऑफ करते हो, ये आपकी एंट्री आप हमेशा करते हो, तो ये आप करोगे, ठीक है। इसके एक्सेस में अगर अभी भी आपके पास इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं हो पाता इसके साथ, ठीक है, मान लीजिए आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी जो है वो लेस है और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जो है वो ग्रेटर है, एक्सीड है, तो वो जो एक्सीड अमाउंट होगा वो अब आप इसको आउटपुट आईजीएसटी से रिकवर कर सकते हो, इसके साथ हम एडजस्ट कर लेंगे। समझ गए मेरी बात, मतलब आप अगर सपोज कर लेंगे कि ये अमाउंट इसके साथ एडजस्ट हो रही है लेकिन अभी भी इनपुट सीजीएसटी अभी भी हमारा पे अमाउंट ज्यादा है और हम सोच रहे हैं कि ये लोकल है और ये बाहर का है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले हम लोकल को लोकल के साथ ही एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर लोकल पेमेंट हमारी ज्यादा हुई है और कलेक्शन हमारे स्टेट से बाहर की ज्यादा है तो बाद में हम लोकल वाली पेमेंट को इस आउटसाइड स्टेट के आउटपुट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये आपकी एडजस्टमेंट लास्ट सेट ऑफ है, टू इनपुट सीजीएसटी, पहले हम सीजीएसटी को ही कवर करेंगे, ओके, अगर इतना अमाउंट है, लेकिन अगर अमाउंट और भी ज्यादा है तो हम फिर एचजीएसटी को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है, और अगर उससे भी ज्यादा अमाउंट आ रहा है तो अब हम उसको पे कर देंगे, राइट। तो ये आपकी थ्री एंट्रीज इसमें हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, मैं इसको रीड कर रही हूँ, और इलस्ट्रेशन 8 हम जो एंट्रीज हैं वो आप सारी खुद कर लेना, मैं सिर्फ आपके साथ ओरली डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन ये जो लास्ट की एंट्रीज हैं ये सारी एंट्रीज मैं इसमें आपको करके दिखा देती हूँ जो जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें आप सारी कैलकुलेशन करोगे, वो कैलकुलेशन मैं सारी आपके साथ कर लेती हूँ डिस्कस। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज नंबर है आपका 10.22, ये है आपका पेज नंबर 10.22 इलस्ट्रेशन नंबर 8। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दीपक एंड गुजरात फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, परचेज गुड्स फ्रॉम द अनुप्रिया ऑफ गुजरात फॉर रुपीज 2,50,000 सीजीएसटी एंड एचजीएसटी गिवन है, तो आप उसमें सिंपली इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एचजीएसटी से आप एंट्री करेंगे। ये सेकंड फरवरी 5 पर परचेज गुड्स फ्रॉम राणा राठौड़ ऑफ राजस्थान फॉर रुपीज 3,00,000 आईजीएसटी गिवन है, तो इट मीन्स ये आउटसाइड स्टेट है, तो परचेज डेबिट इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू राणा राठौड़, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एंट्री सोल्ड गुड्स टू गुरदीप सिद्धू ऑफ गुजरात फॉर रुपीज 2,00,000, तो इसमें आपके पास गिवन है सीजीएसटी और एचजीएसटी। अब आपके पास सब कुछ मेंशन है तो आप उसके अकॉर्डिंगली एंट्रीज करते जाओ, इसमें एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पे रेलवे फ्रेट, इसमें भी सीजीएसटी और एचजीएसटी के थ्रू आपने पेमेंट करनी है, एंट्री करनी है। नेक्स्ट है परचेज कंप्यूटर प्रिंटर, ये आपका ऑफिस इक्विपमेंट है, एंट्री कर दोगे। सोल्ड गुड्स टू गंगा राम ऑफ यूपी गुड्स फॉर रुपीज अगेन चेक, आपके आईजीएसटी की मैंने, तो ये आउटसाइड स्टेट है, इसकी भी आप एंट्री कर दोगे, आउटपुट आईजीएसटी से आप एंट्री करोगे, कैलकुलेशन आप खुद करते रहोगे। नेक्स्ट है पेड फॉर बोर्ड बैंड सर्विस रुपीज 10,000 बाय चेक सीजीएसटी एट द रेट 6% सीजीएसटी 6%, ये भी आप कर दोगे 25 की एंट्री, ये इंटरनेट चार्जेस वगैरह की एंट्री है। और लास्ट में है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके पास सॉल्व ही पड़ा हुआ है, आप सब उसमें से जीएसटी के अमाउंट देखेंगे उसमें। अब आप इसमें फटाफट से कैलकुलेशन कर लेंगे मेरे साथ, तो आप देखोगे कि इनपुट आईजीएसटी का टोटल क्या है, पूरे क्वेश्चन में जल्दी से चेक करेंगे इनपुट आईजीएसटी का टोटल क्या है। आपकी सेकेंड एंट्री है उसमें देखिए इनपुट आईजीएसटी दिया हुआ है, और इसके अलावा और भी कहीं है इनपुट आईजीएसटी, नो, इनपुट आईजीएसटी का टोटल है आपके पास, टोटल ऑफ इनपुट आईजीएसटी इज इक्वल टू 36,000, ठीक है, 36,000 सही है ना, यस
और आउटपुट आईजीएसटी देखेंगे आपके पास कितना है टोटल पूरे क्वेश्चन में। तो आउटपुट आईजीएसटी है आपके पास, आउटपुट आईजीएसटी है, एक तो है 75,600 से February 24 को 75,600। तो आउटपुट आईजीएसटी 75,600 से है ये आपका। ओके तो ये एक्सीड है, ये ज्यादा है आउटपुट आईजीएसटी, यही केस है हमारा, ठीक है आईजीएसटी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी है वो 36,000 से, तो आउटपुट से आप इसको सेटअप कर दो। जो पहली एंट्री हम करते हैं वो आप कर ही दो, उसमें आप करते हो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन है इसीलिए ये क्वेश्चन आप मेरा यहाँ से देख लेंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है ये आएगा आपका 36,000 से। तो पहली एंट्री आपने यहाँ से कवर कर दी। अब देखेंगे एक्सेस अमाउंट हमारे पास जो है वो कितना है, ये 39,600 से आपके पास एक्सेस है, ये 39,600 आउटपुट है अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। पहली एंट्री आप करने के बाद ये सेटअप हो गया इनपुट, अभी भी 39,600 हमारे पास एक्सेस में पड़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंड अब सीजीएसटी और एसजीएसटी का हम टोटल कर लेते हैं फटाफट से। इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी तो सेम ही है, ये आपको पता ही है, इनका टोटल करते हैं। इनका टोटल आपके पास देखो एक एंट्री में है 22,500 से, ये आप टोटल कर लो 22,500 है। दूसरे में है 1,350, एक में आपके पास है 4,800 और एक में है 600, इसका आप टोटल कर लो, ये आपका टोटल बनेगा 29,250। ये आपका सीजीएसटी पड़ा हुआ है और सेम ही एसजीएसटी है 29,250, ओके। एंड आउटपुट आपके पास एक ही एंट्री में है और वो है 18,000 से, ठीक है। आउटपुट अब आपका इसमें कम है लेकिन हमारे पास यहाँ आउटपुट 39,600 से ज्यादा है, तो पहले तो हम ये सेटअप कर देंगे। आउटपुट एंट्री नोट कर दो, आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि ये एंट्री इसने रॉन्ग दी हुई है, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, ये आएगा आपका 18,000, क्योंकि इससे ज्यादा तो आप नहीं कर सकते ना, आपके पास आउटपुट ये 18,000 है तो इनपुट भी तो आप उतना ही रिकवर कर सकते हो सीजीएसटी से। अभी इसमें पूरा रिकवर नहीं हुआ, इनपुट आपका ये है और आउटपुट आपका ये है, तो आप लेस करके चेक करो कि आपका अभी भी कितना पेंडिंग है, 11,250 इधर का पेंडिंग है। एक मिनट, इनपुट अब आपका जो है ये 11,250 इधर है, 11,250 इधर है, टोटल आपका है 22,500 से, इसको आपको एडजस्ट करना है 39,600 से। अभी हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी से ये पैसा आप सेट ऑफ कर सकते हो, तो ये आपकी जो लास्ट एंट्री आपको करनी है दैट इज द आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास इसमें पड़ा हुआ है 39,600 और आपको उसमें से आईजीएसटी दोनों सीजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है ये आपके है 11,250 इसका है, 11,250 इसका है, टोटल है अल्टीमेटली 22,500। और लास्ट में अभी भी एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है उसको आप पे कर देंगे बैंक को, सॉरी गवर्नमेंट को, तो टू बैंक अकाउंट, ये आपका आएगा 17,100 यानी कि 17,100 ये बैलेंस आता है। तो ये आपका टोटल हो गया, ये लास्ट एंट्री है, नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, अदरवाइज स्क्रीन शॉट ले लो इसका। तो ये आपकी कैलकुलेशन है, इसके अकॉर्डिंगली आप ये क्वेश्चन करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।